जन्म से नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या श्लोक है, चातुर्वर्ण मैया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से, गीता का, मैंने जो चार ही वर्ण बनाया जन्म से नहीं, गुण कर्म, गुण और कर्म से मैंने बनाया, कृष्ण गीता में कहते हैं। अगर ये चीज को किसने स्थापन किया, केवल प्रभुपाद, इसको पहले और किसी की हिम्मत नहीं हुई जो कि ये चीज को स्थापन कर पाए, कोई नहीं, केवल ब्राह्मण ही घर में ठाकुर सेवा पूजा करते थे और कोई नहीं। लेकिन हम लोग देखो, हम कहीं से भी आए, देखो ये रसिया से आए, लेकिन इनको जनेऊ संस्कार है, जनेऊ लगाए, ठाकुर का सेवा पूजा करते, तिलक लगाते हैं, लेकिन पहले केवल ब्राह्मण लोग करते थे। इसलिए अगर कहते हैं एक शूद्र, ये महाभारत का श्लोक है, श्लोक में शूद्र च भवेत एतत् लक्षणम, अगर शूद्र के अंदर में भी अगर ये भगवान की सेवा पूजा भक्ति की गुण मिलता है, वो शूद्र ही ब्राह्मण है। अगर के ब्राह्मण घर में जन्म लेकर शराब पीता है, जुआ खेलता है, मांस खाता है, बीड़ी फूंकता है, कहते वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। कल ये चीज को किसने स्थापन किया है, प्रभुपाद, यही महापुरुष ने ही, ये दैव वर्णाश्रम को केवल प्रभुपाद ने आकर के, उस समय आपको पता होगा प्रभुपाद जब उन्होंने मायापुर में, जब उन्होंने नवद्वीप में जब परिक्रमा करने के लिए गए, ब्राह्मण लोग बिगड़ करके जान से मारने के लिए कोशिश किया प्रभुपाद को, जान से मारने के लिए, लेकिन हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अपना ड्रेस को देख कर बदला करके वहां से निकल गए। क्यों, उन्होंने इसी दैववर्ण आश्रम को स्थापन करना चाहते थे, इसलिए ब्राह्मण लोगों ने देखा ये तो हमारे पेट में लात मार रहा है, हमारे सारे बिजनेस को ये खत्म कर रहा है ये प्रभुपाद। लेकिन उन्होंने बड़े कष्ट पूर्वक उन्होंने ये चीज को स्थापन किया, जो कि हम सबके सब अभी भगवान की भक्ति भजन करने के लिए जो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, केवल यही महापुरुष का कृपा है। इसलिए हम सबके सब श्री प्रभुपाद का चरण में, हम सबके सब श्री प्रभुपाद का चरण में हम प्रार्थना करेंगे, प्रभुपाद का चरण में इन्होंने जगत में जो दैव वर्णाश्रम रचना की और हमें जो थोड़ी बहुत भगवान की भक्ति में करने के लिए जो हमें थोड़ा सुजोग दिया है उन्होंने, यही महापुरुष सुजोग दिया, जैसे जन्म जन्मांतर में हम इसी शुद्ध भक्ति लाइन में चल सके और किसी ना किसी तरह से एक जीवन को, देखो प्रभुपाद कहते थे किसी ना किसी, जो हम काम कर रहे हैं ज्यादा कोई स्नेह मान जो बहुत सारी चीज की जरूरत नहीं, प्रभुपाद कहते किसी तरह से एक जीवन, जैसे थोड़ा तिलक लगाते हैं, गले में थोड़ी सी कंठी है, थोड़ी सी माला जप करते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा कर खाते हैं, कोशिश करो एक जीवन यही सही बीत जाए, ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं। मंदिर में केवल झाड़ू लगाते लगाते अगर किसी एक तरह से अगर एक जीवन ऐसे बीत गया ना, समझना हमारा जीवन धन्य हो गया है। जैसे कभी ये भक्ति जीवन में कभी छूटे नहीं, कभी छूटे नहीं, केवल इतना ही, एक जीवन केवल इतने में ही करो, ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद अंतिम समय में प्रभुपाद का जो लास्ट उपदेश है, देखो ये चीज को ध्यान देकर सुना, ट्रांसलेशन कर रहे हो, ये प्रभुपाद जब शरीर छोड़ने से पहले कुछ दिन पहले प्रभुपाद ये उपदेश दे करके, अब तो ये चीज को अच्छे तरह से सुन लो, बोले ये ना कर लिसनिंग बी केयरफुल, लास्ट दिस इज द प्रभुपाद लास्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज द प्रभुपाद लास्ट इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद कहते हैं सत लांछना, सत गंजना, सत अपमान सुन करके भी कभी भक्ति नहीं छोड़ना, कभी भक्ति नहीं छोड़ना, भले ही जीवन में जितने विपत्ति आपत्ति, जीवन में जितने जो कुछ आ जाए, जीवन में जो कुछ जीवन में आ जाए, सुन कर कभी दुनिया छूट जाए, लेकिन जैसे प्रभु की भक्ति कभी नहीं छूटे, एक दिन तो दुनिया छूटेगा ही, लेकिन भक्ति ही केवल साथ देने वाली है। इसलिए कभी भी प्रभुपाद ने बताया कभी भजन नहीं छोड़ना, प्रभुपाद ये इनका लास्ट उपदेश है। इसलिए एक जीवन किसी तरह से गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए हैं, इसलिए एक जीवन को बिता दो तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए बोले श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, बोले सपरिकर गौर हरि की, निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल।